हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वेता स्टाइल। और आज के इस वीडियो में हम दिखने वाले हैं अमेज़ॉन की एक बहुत ब्यूटीफुल रस्ट ऑरेंज की कुर्ती, मीशो की ज्वेलरी और दुपट्टा भी हम देखेंगे, जिन सबको मैं पेयर अप करके भी दिखाऊंगी। वेडिंग सीरीज है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको चोकर दिखाऊंगी, उसके बाद दुपट्टा भी दिखाऊंगी और मैं आपको ड्रेस भी यानी कि जो गाउन है वो भी दिखाऊंगी। तो ये एक ब्लैक कलर की बहुत ब्यूटीफुल सी रस्ट ऑरेंज की गाउन या फिर आप ड्रेस कह सकते हैं, है बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो चलिए ओपन करते हैं तब इसे देखते हैं। सो यहाँ इसका लुक कुछ इस तरह का है, अंगरखा स्टाइल में आपको ये मिलता है। बहुत यूनिक पीस है ये, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये, आई जस्ट रियली लव विद द ड्रेस। अंगरखा स्टाइल में मिलता है आपको, लेकिन ये बिल्कुल भी कहीं से ओपन नहीं है, आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। और इसकी रियल प्राइस 1800 है और मैंने इसमें 1299 रुपीज़ में परचेज़ किया है, जो कि रियली वर्थ इट है, बहुत अच्छा है ये। इस पर पूरे में इस तरह से बॉबी प्रिंट्स के फॉइल प्रिंट्स बने हुए हैं और यहाँ पे आपको साइड में टैसल भी मिलता है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल अंगरखा स्टाइल में है। और यहाँ पे टैसल में आपको इस तरह से ऑरेंज एंड मरून कलर मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। नीचे की साइड की बात करूँ तो आपको बहुत सारे कलर्स में इसमें स्टाइल मिल जाती है, दो लेयर भी है इसमें, जिसको यूनिक बनाती है इसे। मरून पिंक आपको कलर मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको एक अच्छा सा बॉर्डर मिल जाता है जिसमें भी नीट एंड क्लीन फॉइल प्रिंट बनी हुई है, जो कि बहुत अच्छा है। नीचे का जो घेर की बात करूँ तो बहुत अच्छा है, पहनने में बहुत यूनिक लगता है। इसमें आपको 3/4 स्लीव मिल जाती हैं, जिसके स्लीव के भी एंड में आपको इस तरह से फॉइल प्रिंट मिल जाती है। नीट एंड क्लीन वर्क है, हैवी फैब्रिक है इसका, बहुत कंफर्टेबल है, कोई लाइनिंग नहीं मिलती है, लेकिन ये सी थ्रू नहीं है और बहुत अच्छा फैब्रिक है। मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लगी तो मैं इसे हाईली रेकमेंड करूँगी आपको। और पीछे भी बिल्कुल सेम है, इस पीछे भी इसमें डबल लेयर दी गई है और बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका लुक आता है पहनने के बाद, एकदम यूनिक। वेडिंग पार्टी सभी चीज़ के लिए ड्रेस बिल्कुल परफेक्ट है। मेरी हाइट 5'3" है, इसलिए मुझे थोड़ी सी एंकल से ऊपर आ रही है, तो आप ऐसा ड्रेस भी पहन सकते हैं, नहीं तो आप इसके नीचे कुछ फ्लेयरी भी पहनेंगे तो अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट मैं आपको एक दुपट्टा दिखाने वाली हूँ, जो कि मैं इसी के साथ पेयर कर आगे आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ पहन के। सो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा ऑरेंज दुपट्टा है, जैसा बॉर्डर में बना हुआ है ना उसमें फ्लेयर, सेम कलर का ये दुपट्टा है। ये जो अभी आप कलर देख रहे हो ना, सेम इसका कलर है, बहुत ब्राइट कलर है क्योंकि कैमरा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था, तो कलर आपको हो सकता है क्लियरली ना दिखे। तो ये आमराव ब्रांड का है और अगर आपको याद होगा तो मैंने इसे अपनी दुपट्टा हॉल में भी मैंने आपको पिंक एंड वाइट कलर में दिखाया था दुपट्टा इसी में का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ब्रांड बहुत अच्छा है। अगर आपको इस ब्रांड में के कोई भी दुपट्टे पसंद आए तो आप इसे तुरंत ले सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ये सिल्क फैब्रिक में आपको मिलता है, प्लस इसमें गोल्डन के जो है फॉइल प्रिंट बनी हुई है, बहुत अच्छा सा बॉर्डर है। साइड में आपको पॉम पॉम भी मिल जाते हैं, बहुत ही ब्राइट कलर है, कैमरा फ्लक्चुएशन पे मत जाइएगा, बहुत अच्छा बहुत ब्राइट कलर है इसका और बहुत ही ज़्यादा ये कलर इसका बहुत ब्यूटीफुल है। और प्राइस सारे के स्क्रीन पे शो हो रहे हैं आपको, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेंथ और ब्रॉडनेस इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आई हाईली रिकमेंड दिस दुपट्टा। ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, तो बहुत ही अच्छा दुपट्टा है ये। सो यहाँ पे नेक्स्ट मैंने मीशो से एक निक पीस आप कह सकते हैं वो ऑर्डर की थी, तो मीशो आपको लिंक नहीं कोड अवेलेबल करवाते हैं, तो नीचे आपको कोड भी मिल जाएगा। इसकी पैकिंग बहुत अच्छी थी, इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ इस तरह से कार्डबोर्ड में आई थी और बहुत अच्छा सा इसमें पैकिंग इस तरह की बॉक्स में थी। और यहाँ पे इयररिंग्स और नेकपीस दोनों को अलग अलग पैकेट में दिया गया है था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मीशो की पैकिंग की मैं हमेशा तारीफ करती हूँ, अपने ज्वेलरी हॉल में देखा ही होगा। और यहाँ पे आपको नीचे में बहुत अच्छा सा जो है स्टोन का या फिर आप कह सकते हो डायमंड का वर्क मिलता है, बहुत शाइन करता है ये। और नीचे आपको इस तरह से टैसल्स भी मिलते हैं, बहुत नीट एंड क्लीन वर्क है। और इसकी जो इस तरह से चेन है वो पर्ल वाली है और बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल लुक देते, किसी भी ड्रेस पे चल जाएगी ये। और इसके इयररिंग्स की तो कुछ कहना ही नहीं, बहुत अच्छा से एक स्टोन और टैसल्स के साथ है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए अब देख लेते हैं ड्रेस का लुक। सो यार ये मैंने पहले आपको पहनकर दिखा दिया है जिससे आपको एक लुक पता लग जाए, तो आप देख सकते हो कितना स्टाइलिश लग रहा है। और मैंने इसके नीचे एक ऑरेंज कलर की जो है शरारा मैंने पहन रखी है, आप कोई भी कलर इसमें पहन सकते हैं, एज अ ड्रेस भी पहन सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इसका लुक जो है मुझे बहुत पसंद आया, तो आई रियली हाईली रिकमेंड दिस ड्रेस। प्राइस के अकॉर्डिंग भी ये ड्रेस बहुत अच्छा है, तो आई हाईली रिकमेंड, बहुत ही ब्यूटीफुल है, एकदम जल्दी से ग्रैब कर लीजिए, वेडिंग सीजन है, जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है, तो हाईली रिकमेंड दिस, जल्दी से ग्रैब कर लीजिए।
but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. So यहाँ पे next look मैंने orange dupatta के साथ create किया है. मैंने dupatta को drape कर लिया है क्योंकि इसके जो side में अंगरखा style है वो भी अच्छी तरह से दिख रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं. dupatta भी ले लिया, wedding के लिए भी perfect है, तो बहुत ही beautiful लग रहा है ये look. orange काफ़ी ज़्यादा shine कर रहा है. और मैंने इसमें एक हाथ में जो है bangles पहने हैं, second में मैंने watch पहना है. एज अ स्टाइलिश लुक, वो लुक बहुत ज़्यादा स्टाइलिश आ रहा है. और मैंने वही वाले जो आप कह सकते हैं पेंडेंट या फिर बहुत ही ब्यूटीफुल सी नेकलेस पहनी है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी. इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है. सो यहाँ पे आप दुपट्टा का इजिली कलर देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल सा इसका रियल कलर है. तो आई हाईली रिकमेंड दिस लुक. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back. ये मेरा लास्ट एंड फाइनल लुक है जिसे मैंने पिंक के साथ क्रिएट किया है. और नीचे मैंने ऑरेंज ही रहने दिया है क्योंकि मैंने इसे एज अ गाउन का रूप दिया है. लेकिन अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप जो है इसमें पिंक पहन ले तो अच्छा लुक क्रिएट हो जाएगा. मैंने इसमें पिंक लॉन्ग पेंडेंट पहना है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. मीशो से लिया था मैंने, किसी वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी. और इसे भी मैंने ड्रेप करके लिया था. ये वाला तो बिल्कुल वेडिंग के लिए परफेक्ट, तो आप ज़रूर इसे ज़रूर ज़रूर बनाएं. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. और ये लुक आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में टाइप करके ज़रूर बताइएगा. और चोकर आपको कैसा लगा, यानी कि जो मैंने नेक पीस दिखाई इसमें वो कैसा लगा ये भी बताइएगा. मैंने इसमें ब्लैक के बीच में जो है सिल्क थ्रेड बैंगल्स लिए हैं, जिसके कारण इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है. वेडिंग के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है, आप वेडिंग में पहन के जाइए और आप छा जाइएगा. बिल्कुल सच में बहुत अच्छा है. और मैंने एक हाथ में जो है वॉच पहना है, आई थॉट कि आपने ध्यान दिया होगा, जिससे इसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. But you're not, 'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. सो आई होप कि आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा. अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ प्रेस ऑन द लाइक बटन फॉर माई मोटिवेशन एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ ऑल. इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करें जरूर करें, इंस्टाग्राम आईडी श्वेता स्टाइल है. तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.